हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। और आज हम लोग फ़िलहाल हैं मैत्री एक्सप्रेस के साथ में। और फ़िलहाल गाइस, बाहर में जो चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, ये सब तो मुझे आप सबको नया ग्रह कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को बहुत ही अच्छे से इस बारे में पता होगा। तो मैं बस इस बारे में आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अरे अच्छा, सॉरी, मैं आपका मतलब गलती से बोल दिया मैंने आपका डायलॉग, कोई बात नहीं। अभी हम लोग फ़िलहाल हैं ईस्टर्न रेलवेज में कोलकाता स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। तो कोलकाता स्टेशन गेम में कुछ इस तरह का दिख रहा है, रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है मुझे ज़रा कमेंट्स में बता देना। और हमारा जो लोको है वो है WDM3A11313 का, इसका रोड नंबर है WDM3A बोल दिया था। तो ये WDM3D है। तो अभी हम लोगों को ये जो मैत्री एक्सप्रेस सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग को शंट करना है, प्लेटफॉर्म पे शंट करना है। जहाँ तक मुझे पता है कोलकाता स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मैत्री एक्सप्रेस डिपार्ट करती है। तो चलिए फिर मैत्री एक्सप्रेस को ले जाके हम लोग वहीं पे शंट कर देते हैं। तो मैं ब्रेक्स रिलीज़ कर देता हूँ हमारे लोको का और मैत्री एक्सप्रेस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। रुकिए, मैं एक बार जाके पहले कपल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि मैत्री एक्सप्रेस कैसा दिख रहा है। हॉर्न बजा देता हूं मैं। अब डिपार्ट करते हैं। ये देखो हमारा एल्को लोकोमोटिव स्मोक भी करना शुरू कर दिया है एकदम फुल फॉर्म पे, और काफी धीरे से जाके हम लोग सामने कपल कर लेंगे। मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, ये रहा हमारा मैत्री एक्सप्रेस के कोचेस। रुकिए, एक बार कपल हो जाने दीजिए अच्छे से, उसके बाद आपसे और भी बातें करूँगा। अब ब्रेक्स लगा देता हूँ मैं धीरे धीरे। चलिए फिर गाइस, कपल हो चुका है मैत्री एक्सप्रेस, और अभी हमको फॉलो करना है ट्रैक मॉनिटर। आज गाइस सिर्फ मैत्री एक्सप्रेस ही नहीं, और भी दो काम है जो कि आज हमको करना है। आज हम लोग एज ए शंटर काम कर रहे हैं इस गेम में, शंटिंग करेंगे आज हम लोग WDM3D के साथ में हावड़ा शेड का। तो कपल तो हमारा हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं हॉर्न बजा के। थोड़ा पावर लगाना पड़ेगा क्योंकि मैत्री एक्सप्रेस के 10 कोचेस हमारे साथ अटैच हो चुके हैं। और साउंड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। स्मोकिंग भी काफ़ी ख़तरनाक चल रहा है देखो। तो हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं हमारे अगले रिवर्सल पॉइंट तक। अभी मैं आपको मैत्री एक्सप्रेस थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए मैत्री एक्सप्रेस में जैसे बंगाली में लिखा रहता है, बांग्लादेश रेलवे सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, आंतोनगर। तो अगर आप लोग इसका जर्नी देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर से करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इसका जर्नी नहीं देख पाओगे, क्योंकि जर्नी मैं इसका अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अब भाई वीडियो बना रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो भाई एकदम अच्छे से बनाया जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्नी दिखाए, एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ दिखाते हैं। एकदम शंट करेंगे पहले ट्रेन को कोलकाता स्टेशन में, उसके बाद जर्नी करेंगे इस ट्रेन के साथ में। वैसे बांग्लादेश तो इस गेम में अवेलेबल है नहीं, जिसके कारण मैं आपको बांग्लादेश वाला जो सेक्शन है वो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना तक ये ट्रेन वेस्ट बंगाल में रहती है वो सेक्शन मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हम लोग रिवर्सल पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और ये सामने लोकोमोटिव लगा हुआ है। यार गाइस, मैंने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद में सामने वाला लोकोमोटिव भी काम करने लग गया। मतलब सामने में जो लोकोमोटिव लगा हुआ है ना गाइस, वो इस ट्रेन का लोकोमोटिव है, मैत्री एक्सप्रेस का लोकोमोटिव है, जो कि इस मैत्री एक्सप्रेस को हॉल करेगी होपफुली। चलिए धीरे धीरे हम लोग पहुँच जाएंगे रिवर्सल पॉइंट तक। और ऊपर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो ऊपर में टैंकर वाली गुड्स ट्रेन खड़ी है, टैंकर वाली फ्रेट ट्रेन, जिसका कि WAG9 लोकोमोटिव लगा हुआ है और ये रेड सिग्नल मिला है इसको। तो गाइस ज़रा जल्दी से बताना, ये जो ट्रैक्स राइट साइड में जा रही है, ये ट्रैक्स किस साइड में जाती है मुझे ज़रा कमेंट से बताना अगर आपको पता होगा। जो ट्रैक्स अभी सीधा चले जा रही है मेरे ऊपर से, मतलब मेरे ट्रेन के ऊपर से, मेरे ऊपर से नहीं, बस रिवर्सल पॉइंट तक गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं। चलो अब हम लोग रोक देते हैं ट्रेन को। चलो फाइनली रुक चुका है हमारा ट्रेन, और अभी हम लोग वापस से बैक डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि हमारा अगला रिवर्सल पॉइंट वहीं पे दिखा रहा है। चलिए फिर चलते हैं।
तो सबसे पहले हमने रिवर्सर को चेंज कर लिया। क्या हुआ, ब्रेक्स मैंने रिलीज़ नहीं किया क्या? अच्छा अब ठीक ठाक लग रहा है। अब यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिए कैसा लग रहा है, और साउंड्स बताइए कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ये साउंड सुनने में। और पूरा ब्लैक स्मोक छोड़ते हुए जा रही है हमारी एल्को लोकोमोटिव। तो जो लोग एल्को लोकोमोटिव के फैंस हैं, ज़रा एक बार एक लाइक ज़रूर से ठोक दीजिएगा, क्योंकि आप सबको ऐसा टाइप का एक्शन ही पसंद है जहाँ तक मुझे पता है। अब होने वाला हमारा ट्रैक्स चेंज, यहाँ से देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ से दो बार ट्रैक्स चेंज होगा, ये एक बार हो रहा है। ये आ गए हम लोग स्मोक के अंदर में, एक और बार होने वाला हमारा ट्रैक्स चेंज। तो गाइस सबसे पहले इस मैत्री एक्सप्रेस को शंट करना हमारा काम है, उसके बाद क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार इस मैत्री एक्सप्रेस का शंटिंग का कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो हमको सीधा जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे डायरेक्शन दिया गया है, वहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं हमारे मैत्री एक्सप्रेस को। और यहाँ पे स्टेशन में तो काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले हम अपना ड्यूटी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आप में से कई लोगों को शंटिंग भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे ड्यूटी आज करने वाले हैं, बस आप लोग देखते जाइए। मैं बस अब ब्रेक्स लगा देता हूँ, ब्रेक्स का साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा। फिलहाल हम लोग रुक चुके हैं, पीछे देखते हैं। अच्छा और थोड़ा सा हम लोग सामने चलते हैं, क्योंकि ये जो लोको है पूरा लोको को हमको सिग्नल के पहले लगाना है। बस अब यहाँ पे रोक देते हैं इस ट्रेन को। ये देखिए सिग्नल के पहले आ गया कोलकाता टर्मिनल, यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन बोर्ड देख लीजिए आप लोग, स्टेशन बोर्ड भी जिसको बोला जाता है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको डीकपल कर लेना है, क्योंकि हमारा तो मैत्री एक्सप्रेस का शंटिंग कंप्लीट हो चुका है। हम लोग यार्ड से हमारे मैत्री एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पे लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी कर लेते हैं डीकपल, जो कि F9 प्रेस करने से, फिर कपलर के ऊपर में डबल क्लिक करने से होता है। हो चुका है हमारा डीकपल, अब हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं हॉर्न बजा के। तो अभी अगला रिवर्सल पॉइंट तक हम लोग पहले पहुँचते हैं, उसके बाद हमको ये जो राइट साइड में आपको लोको दिखाई दे रहा है, ये जो VAG-7 दिखाई दे रहा है, इसको लेके जाना है, क्योंकि ये लोको हो चुका है फेल। तो इसके तो इसको हमको लेके जाना है वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए। पहले मैं मेरा जो टास्क ऑर्डर है जो कि अगले रिवर्सल पॉइंट तक पहुँचने का है, पहले इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। जैसे ही ट्रैक चेंज कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद तुरंत रोक देना है हमको। बस मैं ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। बस हम रोक देते हैं, चलिए फाइनली हम लोग रुक चुके हैं। तो अभी हमको जो टास्क ऑर्डर दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि अगला जो रिवर्सल पॉइंट है वो उस लोको के पास में, जो लोको मैंने आपको अभी भी दिखाया उस लोको के पास में मेरा अगला रिवर्सल पॉइंट है। चलिए वहाँ तक चलते हैं फिर।
मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे और भी हमको दो ड्यूटी और करना है। एकदम सामने जाके हम लोग स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। ये देखो जो सामने आपको वैक्स में दिखाई दे रहा है, तो ये लोकोमोटिव हो चुका है फेल, तो इसको हमको लेके जाना है, इसको पुल करके लेके जाना है। ले जाके उसको हमारे लोको के लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे लोकोज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे जाके इसको रख देना है। अब जाके हम लोग कपल कर लेते हैं हमारे लोको के साथ में। ये हमारा वैक्स 7 लोकोमोटिव। तो चलिए गाइस, कपलिंग ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले रिवर्सल पॉइंट तक। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं ना कि एक शंटिंग का जो लोको पायलट होता है उनके पास किस तरह का ड्यूटी होता है, मतलब उनका दिन कैसे बीतता है। मैं जो जो यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ ऐसे टाइप की ड्यूटीज उनको करना पड़ता है रियल वर्ल्ड में। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले रिवर्सल पॉइंट तक, जो कि यहाँ से बस सामने ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है। और ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड करेंगे तो रिवर्सल पॉइंट तक पहुँच के हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो जो रेड कलर का जो मार्क दिखाई दे रहा है ना, इस रेड कलर का मार्क को अगर हम लोग टच कर लेंगे तो ब्रेक्स लग जाएगा ऑटोमेटिक, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं रिवर्सल पॉइंट पे ही पहले मैं रोक देना चाहता हूँ ट्रेन को, और थोड़ा सा सामने जाना है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो गाइस काफ़ी हेक्टिक ड्यूटी रहता है शंटर्स का, जो लोग शंट करते हैं। वैसे आप लोग भी ज़रा एक काम कीजिए, आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन से लोकोमोटिव्स हैं जो कि आजकल शंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपका आज का ड्यूटी, क्योंकि मैं तो यार अपना ड्यूटी यहाँ पे कर ही रहा हूँ गेम में, अब आप लोग भी कुछ ड्यूटी कीजिए। तो हमको अगला सिग्नल मिल चुका है, अगला जो हमारा रिवर्सल पॉइंट है वो सामने किसी ट्रेन पर लगा हुआ है। चलिए वहाँ तक पहुँचते हैं फिर। थोड़ा स्पीड अप करते हैं लोकोमोटिव को। तो गाइस आप में से कई सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई मैत्री एक्सप्रेस का वीडियो देखना है, मैत्री एक्सप्रेस का वीडियो बनाओ, मतलब काफ़ी दिन से कह रहे थे यार। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार अगला वीडियो जो है मैत्री एक्सप्रेस पे ही बनाते हैं, और मैत्री एक्सप्रेस के बाद में मैं सोच रहा था कोलफील्ड एक्सप्रेस का वीडियो बनाऊँ। अब कोलफील्ड एक्सप्रेस का वीडियो जैसे ही बन जाएगा, उसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा मैत्री एक्सप्रेस का जर्नी। अब ये जर्नी कैसा होता है, क्या क्या क्रॉसिंग्स देखने को मिलता है, अगर आपको ये सब कुछ का पता लगाना है तो आपको तो वीडियो देखना पड़ेगा। अब अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब तो करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग देखते हो बस ऐसे ही फ्री में चले जाते हो, जैसे कि लाइक भी नहीं करते हो ऐसे ही चले जाते हो। तो गाइस अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, कम से कम मुझे देख के अच्छा तो लगेगा कि हाँ भाई आपको पसंद आ रहा है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड को करते हैं रिड्यूस, और जाके करते हैं इस लोको के साथ में, सॉरी लोको के साथ में नहीं, इस कोचेस के साथ में कपल। यहाँ से करना क्या है, हमको जनरेटर कोच के साथ में इस ट्रेन के पीछे के और 3 एसी कोचेस उठा के हमको लेके जाना है, ले जाके अगला जो रिवर्सल पॉइंट है हमको वहाँ तक फॉलो करना है। चलो अगला जो रिवर्सल पॉइंट है, वर्क ऑर्डर है, वो हमको मिल चुका है। तो सबसे पहले जो करना है हमको डी कपल करना है, F9 प्रेस करेंगे, और ये हमारा लोकोमोटिव है, ये दोनों हमारा लोकोमोटिव है, और ये जनरेटर कार है, ये भी
और ये एक ऐसी कोच, ये दूसरा ऐसी कोच, और ये है आपका तीसरा ऐसी कोच। तो मैं इस कपलर पर डबल क्लिक कर दूंगा। चलो हो चुका है हमारा कोचेस का डी कपल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अभी हम लोग अपने अगले रिवर्सल पॉइंट तक चलते हैं। आप लोग यहां से देखिए कैसा लग रहा है नज़ारा। ये देखिए यहां से मैंने डिकपल किया हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां से आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अब सामने चलते हैं। थोड़ा ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। और गाइस हाँ, आप में से कई लोग मुझसे ये भी पूछते हो कि भाई तुम्हारा जो ग्राफिक्स है इस गेम का, जो तुम्हारा ग्राफिक्स है वो काफ़ी एनहेंस लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हमारा तो वही वैसा नहीं होता, आप में से कई लोग ये कहते हो। तो गाइस एक्चुअली जो चीज़ है, मैं रीशेड यूज़ करता हूँ। अब आप अगर ये पूछोगे कि रीशेड क्या है, तो रीशेड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी गेम के ग्राफिक्स को थोड़ा और एनहेंस कर देता है, इसके चलते गेम काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो गाइज ये जो गेम आज हम लोग खेल रहे हैं ये तो इतना भी रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन रीशेड के वजह से ये थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। इसमें हल्का फुल्का रियलिज्म वाला जो फील है वो आ रहा है, तो इसीलिए रीशेड है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि रीशेड को कैसे इंस्टॉल करना है, तो बस बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मतलब कोई झमेला वगैरह कुछ भी नहीं है। फिलहाल आप लोग देख लीजिए हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है, राइट साइड में काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स हैं। वैप 7 के साथ में वैप 4 है, और वहाँ पे दूर में एक वैप 4 और वैप 7 यहाँ पे और वैप 4, तो काफ़ी सारे वैप 4 और वैप 7 सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस रिवर्सल पॉइंट तक हम भी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, फिर पहुँच के हम लोग रोक देंगे ट्रेन को। तो गाइस इसके बाद वाला जो ड्यूटी होगा वही हमारा लास्ट ड्यूटी होगा। चलो चलते हैं और पहुंचते हैं हम लोग हमारे अगले रिवर्सल पॉइंट तक, जो कि फिर से किसी दूसरे ट्रेन में लगा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखिए ट्रैक मॉनिटर पे ये जो एरो साइन लगा हुआ है, ये वाला एरो नहीं, ये जो ऊपर में वाइट कलर का एरो लगा हुआ है, इसी को कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। और जो येलो वाला है वो किसी ट्रेन का संकेत दे रहा है हमको कि तुम्हारे ट्रैक्स पे कोई ट्रेन है। तो गाइस हाँ, मैं जो कह रहा था रीशेड का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ से जाके आप लोग रीशेड को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद में आपको थोड़ा सा इंटरनेट लगेगा जब आप इसको इंस्टॉल करोगे रीशेड को। जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया जाता है, रीशेड को भी वैसे ही इंस्टॉल किया जाता है। कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है, आप करोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा। तो रीशेड डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है ओपन रेल्स के EXE फाइल में। जैसे आपका इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आप जैसे ही गेम को रन करोगे, गेम को रन करने के बाद में आपको रीसेट का जो सेटिंग्स है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो गेम का ग्राफिक्स का जो कलर है वो काफ़ी एनहेंस हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। वो भी मैं सेटिंग्स आपको बता देता हूँ कि रीसेट का सेटिंग्स क्या क्या करना है आपको। बस चार ऑप्शंस पे आपको टिक मार्क लगाना है रीसेट के सेटिंग्स पे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं रिवर्सल पॉइंट तक पहुँच के हमारे ट्रेन को पहले कपल करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग ब्रेक्स लगा देते हैं क्योंकि काफ़ी करीब हम लोग पहुँच रहे हैं हमारे रिवर्सल पॉइंट के। ये देखो, तो गाइज यहाँ पे हमको जो करना है, ये जो कोचेस हम उठा के लेके आए हैं, इसको सामने जो LHB कोचेस आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे जाके इसको कपल करवा देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिर्फ लोको को उठा के लेके चले जाएंगे और ये कोचेस को यहीं पे रख के चले जाएंगे। ओके, पहले कपल करने दीजिए हमको। और हमारे लेफ्ट साइड में कुछ फ्रेट ट्रेन्स खड़े हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। पहले एक बार कपल हो जाने दीजिए।
बस कपिल होने ही वाला है, कपिल हो चुका है, और कपिल होने के बाद में हमने हमारे ट्रेन को रोक दिया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अगला वर्क ऑर्डर है वो तो नहीं मिल रहा है। खैर इस बारे में हमको मतलब पता नहीं है क्यों नहीं मिल रहा है। हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं गाइस, क्या पता मिल जाए। पता नहीं गाइस मिल क्यों नहीं रहा है। हमारा अगला जो वर्क ऑर्डर है गाइस वो है हमारा जो ये लोकोमोटिव है जो कि फेल हो चुका है, इसको ले जाके हमको लेफ्ट वाले ट्रैक पे रखना है। ये जो लेफ्ट वाले ट्रैक पे आप देख सकते हो एक वैग 7 CNB सीट का है और एक वैग 9 है जिसमें लोको पायलट्स भी बैठे हुए हैं। ये कौन सा सीट का, ये लालागुड़ा सीट का वैग 9 है और यहाँ पे एक वैग 7 विजयवाड़ा सीट का भी है। तो इसी ट्रैक्स पे जाके हमको रखना है हमारे लोकोमोटिव को। तो चलिए फिर डीकपल कर लेते हैं। अब वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे तो हमको ट्रैक्स चेंज मैनुअली करना पड़ेगा, आखिर ड्यूटी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। चलिए फिर अभी हम लोग कर देते हैं डीकपल। वैसे हमारा लोको किधर चला गया, लोको तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ढूंढते हैं लोको को। गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना, ऑलरेडी 22 मिनट्स का हो चुका है। लेकिन यार आपसे काफ़ी बातें भी आज हो पा रहा है, काफ़ी दिन बाद बहुत कुछ बातें आपसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी कुछ थोड़ा बहुत बातें किया कीजिए मेरे से कमेंट्स पे। हाँ तो ये रहा हमारा लोको और ये रहा हमारा दूसरा लोको। तो इसके बाद वाले कपलर पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा डी कपल। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पीछे के साइड में चलते हैं। तो कोचिस को हम वहाँ पे रख के अब पीछे के साइड में भी हम लोग जा रहे हैं। मैं कंट्रोल प्लस एम दबा के मैनुअल मोड पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। बस और बस थोड़ा सा ही बचा है एक्टिविटी, उसके बाद हमारा आज का ड्यूटी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद मैं कोलफील्ड एक्सप्रेस का वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, आपका इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और उस वीडियो के बाद में मैत्री एक्सप्रेस का जो जर्नी वीडियो है वो तो पक्का आएगा। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रैक्स है हमको ये ट्रैक्स को बदलना पड़ेगा। पहले मैं देख लेता हूँ ट्रैक्स का कंडीशन कैसा है। तो यहाँ पे जो देख के मुझे लग रहा है ट्रैक्स तो खुला है, ट्रैक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रेन जब ये वाले ट्रैक स्विच के यहाँ पे पहुँच जाएगी उसके बाद हम लोग कर देंगे मैनुअली ट्रैक्स चेंज। बस अब हम लोग ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अभी हम लोग लगा देंगे ब्रेक्स। अभी हमको सामने जाना है तो देखते हैं ट्रैक चेंज होता है कि नहीं। ट्रैक चेंज भी नहीं हो रहा है गाइस, पता नहीं ट्रैक चेंज क्यों नहीं हो रहा है। चलिए कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ऐसे यही सब ना मतलब गड़बड़ कर देता है MSTS, कभी कभार ठीक से काम करता है और कभी कभार नहीं काम करता है ठीक से। चलो अब हुआ ट्रैक चेंज, आपने नोटिस किया होगा सामने हमारा हो चुका है ट्रैक चेंज। अभी हम लोग आगे चलते हैं। सही ट्रैक्स पे जा रहे हैं ना गाइज अभी हम लोग। हाँ बिल्कुल सही ट्रैक्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस लोको को छोड़ने के बाद में हमारा आज का जो ड्यूटी है वो हो जाएगा ख़त्म। तो गाइज ये शंटिंग का एक्शन कैसा लगा, और आप लोगों को मैंने ये भी समझा दिया कि एक शंटर के डे में कैसा कैसा ड्यूटीज़ उनको करना पड़ता है, इस बारे में मैंने आपको
बता दिया, तो जाके इस लोको को कपल करके हमको रखना है। जैसे ही हो जाता है कपल, हमारा ड्यूटी हो जाएगा यहीं पे समाप्त। मैं ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, ब्रेक्स का साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा। धीरे से जाके कपल कर देंगे, यहाँ से आप लोग कपल का नज़ारा देख लो, कपलिंग का नज़ारा। बस धीरे से कपल कर देंगे, तो फाइनली हमारा जो कपलिंग का काम है वो हो चुका है कंप्लीट, और आज का ड्यूटी भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो गाइस कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बता देना आज का शंटिंग का जो ड्यूटी का एक्शन है ये कैसा लगा आप सभी को। और यहाँ पे ये दो फ्रेट ट्रेन्स यहाँ पे थे, जिनका कि एक का वैग 9 लोकोमोटिव लगा हुआ है और दूसरे का वैग 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ दुरंतो कोचेस, दुरंतो के स्टैटिक कोचेस और काफ़ी सारे गरीब रथ के भी स्टैटिक कोचेस यहाँ पे है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे के साइड में, ऑलमोस्ट सारा जो नज़ारा है मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे से। अभी मैं यहाँ पे लोकोस को अच्छे से दिखाता हूँ कि ये कौन कौन से शेड का लोकोमोटिव्स यहाँ पे थे। ये तो 3 कोचेस को लेकर ये भी शंट कर रही है यहाँ पे, ये WDM-3D ही है शायद वतवा का, जो कि यहाँ पे शंट कर रही है दो तीन कोचेस को एक साथ में लेकर। और WAP-4 है यहाँ पे, एक सातरा का शेड का है और यहाँ पे एक ये हावड़ा शेड का है। और यहाँ पे WAP-7 जो है एक आपका गाज़ियाबाद का है और ये शायद लालागुड़ा का होगा, होपफुली देखते हैं ये कौन सा शेड का है। हाँ लालागुड़ा का WAP-7 है ये वाला। और वहाँ पे दूर में ये WAP-4, ये तो मैंने आपको दिखा दिया लालागुड़ा का WAP-4। तो गाइस अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर से ठोक देना, क्योंकि जो ड्यूटी है ना आज मैंने, मतलब बहुत वक्त लगे मेरे को करने में लेकिन ड्यूटी सक्सेसफुली मैंने कम्प्लीट कर दिया है। तो रीसेट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप लोग ज़रूर से कर लेना जैसे मैंने बताया वैसे। और रीसेट का जो सेटिंग्स है वो कुछ इस तरह का है, Shift+F2 को दबाने से आपको ये जो रीसेट का विंडो है ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको कलरफुलनेस ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है, क्लैरिटी पे टिक मार्क लगाना है, कर्व्स पे टिक मार्क लगाना है, और यहाँ से नीचे से लेवल्स के ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है। तो जैसे ही आप ये सब ऑप्शन पे टिक मार्क लगाओगे आपका जो गेम का ग्राफिक्स है, कलर है, वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, मतलब देखने में अच्छा लगेगा और काफ़ी एनहांस लगेगा। तो ठीक है गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना अगर आपको मैत्री एक्सप्रेस का जर्नी देखना है तो। और ज़रा सेफ रहिए गाइस, और गाइस ज़रा ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो कि चल रहा है बाहर में। तो गाइस सावधानी से रहिएगा और मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।